I am instrumental in handling and diffusing almost 7,000 IDs. 7,000 IDs में आप अगर उसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ ही कर लें तो कम से कम 70,000 बंदा तो बचा ही है। वैकेंसी आई जिसमें उनको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए था एंड विद द बैकग्राउंड ऑफ अन एक्सप्लोसिव, तो ओपन मेरिट पे फिर मेरी सिलेक्शन हुई। FIA में था तो मैंने 3-4 साल लगाए उधर और हमने काफ़ी एडवांस में इसमें काम किए। इधर से फियाज अहमद तोरू साहब थे, IG रहे हैं पहले मेरे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया 2008 के एंड में कि मलिक देर इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन KPK, दे वॉन्ट टू रेज यूनिट, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना दे आर एट द गेट और दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द टेररिज्म जो है ना। 2008 के एंड में उन्होंने बूबी ट्रैप करना शुरू किया जिसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली जो KP पुलिस के BT स्क्वाड है वो विक्टिम बना। 4 कट्टी कैजुअल्टीज इनकी हुई सवात में, फिर 2 हुई बंदों में 2008 के एंड में। तो जब ये 6-7 बंदे मरे तो मुझे तोरू साहब ने फिर दोबारा फ़ोन किया। पहले आई मुझे स्पेयर नहीं कर रही थी गवर्नमेंट इधर आने के लिए, क्योंकि मेरा ये फील्ड बेसिकली डिफ्यूजिंग नहीं था, मेरा फ्रेंजिक था उस साइड पे, हम प्रोसिक्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मलिक व्हेन यू विल जॉइन, व्हेन वी विल डाई, देन दैट वाज द डे आई सेड यस एज ए वॉलंटियर। ₹4,500 kg करक में इट वॉज कमिंग टू हिट द टनल, क्वार्ट टनल, 2 बमर बैठे हुए थे उसमें, 200 से बमर बैठे हुए थे और डॉक्टर इश्तियाक साहब RP होते थे, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने मुझे रिंग किया कि ये इस तरह की है और वहाँ का जो BDS है वो भाग गया है। उन्होंने देखा ये तो ह्यूज ट्रक है, क्या मुझे कहते हैं क्या करेंगे। तो मैं हंस पड़ा, मुझे कहते हैं क्यों, मैं कहता ये सबसे आसान आईडी है, कहते हैं ये क्या मैं? मैंने कहा बंदे पकड़े गए हैं, मैं कहा बम्पर पकड़े, मैं कहा वो डिफ्यूज़ करेंगे ना। तो हम गए उधर से, इधर से पिशावर से टीम गई, उनको बुलाया बताओ किधर ट्रिगर लगा हुआ है, दे इनफॉर्म अस इधर लगा है। तो वो आप देखें 4,500 kg की एक ह्यूज बड़ा ट्रक आ रहा था मेरा एक, और वो टनल को हिट करने आ रहा था, वो टनल को डैमेज जाना था। आप अंदाजा लगे हमारा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, दैट वॉज द मेन सप्लाई रूट, वो कितना हमें वो कितने दिन वो डिले हो जाता, क्योंकि मुंह में टोरी थी ना वहाँ से, वो उनका प्लान देखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है ना इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म है, इसमें लोकल बेचारे विक्टिम बनते हैं, असल में इनका मास्टरमाइंड की और है, ये आपकी स्टाइल रा है इंडियन है, उनको तो हमारा मन पसंद नहीं है। जो इमोशनली अनस्टेबल एक तो मैं APS से बहुत हुआ था, I was the first one entered as a first responder, APS जो हमारा हुआ है, वहाँ बच्चे थे और वी आर सो डेस्परेट टू एंटर इन टू दी, लेकिन वो ऐसा कोई सिनेरियो बना हुआ था कि वी कुड नॉट एंटर एनी वे। तो वो एक आपको ना थोड़ा सा हुआ, काफ़ी इमोशनली आई रिमेन अनस्टेबल बच्चों की डेड बॉडी देख के, उसके उसमें ये नहीं था कि वजह ये थी कि आई कुड नॉट हेल्प देम, जो मुझे हर्ट कर रहा था ना कि यार इनको कैसे बचाया जाए। अल्लाह का शुक्र फिर भी 8-10 हमने बचाए हैं, आई वाज द इंटर्न फर्स्ट आफ्टर द क्राइम, फिर हमने 8-10 बच्चे निकालने उसमें से, अल्लाह का शुक्र है। मीना बाजार वाला जब मैं गया तो जिससे मेरी टोटली चेंज होगी वो इन्वेस्टिगेशन, मैंने उसके बाद अपने आपको, पहले मैं जब जाता था क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर के तौर पर ट्रेंड हूँ, जब मैं मीना बाजार में एंटर हुआ तो दैट चेंज माई माइंड, क्योंकि वहाँ एक मस्जिद थी छोटी सी, मुझे आज भी याद है, वो फंसी हुई थी, गिरी हुई थी ना, उसका वो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ हुआ था, उसके नीचे डेड जिंदा बंदे थे, देवर क्रैंक, आई कुड नॉट हेल्प देम, मतलब कोशिश करते मैं सारी इन्वेस्टिगेशन भूल गया, देन आई फोकस ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन होल नाइट। अब कुछ ये दिन का टाइम तो अगला दिन आ गया था, मैं वो क्राइम सीन से नहीं ला, जितना कोई बंदे निकल सकते हैं, और उसमें इतना हेल्पलेस थे कि हमारे पास कटर नहीं थे, अपने सामने हम बंदों को खींच नहीं सकते थे।
ईरानी कौंसलेट है, इधर एक गाड़ी आई, तो मैं वापस आके तो टीवी पे देख रहा था कि कोई इधर गाड़ी खड़ी है और ब्लास्ट हो गया है। तो मैंने फौरन अपने बंदे को रिंग किया कि यार ये सुसाइड बम्बर गाड़ी से नीचे उतर के गया है, उसने ब्लास्ट किया है, कोई लॉजिक नहीं बनती, आई डोंट बाय दिस आइडिया। तो हमने गाड़ी चेक की है, कहते हैं हाँ सर हमने तो प्रेस रिलीज कर दी, गाड़ी क्लियर है और बम्बर था उसने किया ये डैमेज हो गया। मैंने कहा नहीं यार मेरा नहीं दिल मानता, बम्बर ने गाड़ी से उतर के क्यों ब्लास्ट किया। मैं कहा यार मेरा दिल नहीं मानता, ऐसा करता हूँ मेरी बात मान, गाड़ी में ना एक होता है वो आप ना उसको इनिशिएट करते हैं। उसने कहा ठीक है सर। जब उसने इनिशिएटर लगाया ना तो उसके पीछे सिलेंडर पड़ा हुआ था वो खुल गया और ब्रू से भरा पड़ा हुआ था। दैट वॉज ए बूबी ट्रैप फॉर CCP, फॉर ऑल ऑफ अस। और CCP वाज सो लकी कि वहाँ प्रेस रिलीज करके जा चुका था। अच्छा मैंने कहा नो स्टॉप इट, आई एम कमिंग। मैं उसको ले के जब उसके नज़दीक पहुँचाऊँ जिस एग्जामिन करने गया है, उसमें एक मैकेनिकल स्विच होता है वो लगा हुआ था और उसका टाइम गुजर चुका था। साथ मेरा बंदा था उसको मैंने नहीं बताया कि क्या सीन है अभी ना, कि कोई वो पैनिक में ना आ जाए। तो मैकेनिकल स्टिकर है यानी कि आपने समझ लिया कि बुलेट फायर कर चुके हैं, स्ट्राइकर फंसा हुआ है और जो ही छोड़ना है तो वो पूरी गाड़ी इट विल एक्सप्लोर लाइक दिस। मुझे थोड़ा सा पसीना आया थोड़ा सा ना, लेकिन देन आई रिकवर्ड इमीजिएटली। वो है कि मैंने पैनिक नहीं क्रिएट किया ना उसको, होने दिया, दूसरे बंदों को नहीं बताया, चुप करके भी मैंने कहा राम राम से पीछे चलो। कहता क्यों सर, मैं नहीं राम राम। फिर हमने जाके उस गाड़ी को ब्लास्ट किया। रात के कोई 1:30 बजे मुझे एक कंट्रोल से फोन आता है कि सर सरबंद में एक बम्बर आया और गाड़ी छोड़ के भाग गया। वो अगले दिन ईद थी, ईद का दिन था। उन दिनों ना KP की और बाकी पाकिस्तान की ईद डिफरेंट होती थी। वो बेसिकली ईद डे था पर KP मेरी क्योंकि नहीं थी उन दिन, जो यहाँ भी इसी तरह होता है कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, तो मैंने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी दी हुई थी। तो मैं कहा कोई बात नहीं, उधर से पुलिस स्टेशन में मारा जो स्टैंड बाई BD स्क्वाड है वो भेजें। कैसे वो भेजे है तो वो साइड पर बैठा हुआ है, आ गए हैं वो साइड पर बैठा हुआ है। मैंने कहा क्या मसला तुम्हें गाड़ी में, क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या सर मुझे नहीं प्रॉब्लम है, मुझे रात को नज़र नहीं आता। ओह माय गॉड, मैं क्या कह स्टॉप। मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा, वो ईद के चक्कर में मेरे पास आया हुआ था, इज़ ए गुड ड्राइवर, उसको मैं सरबंद रोड पे लगाया। मैं और मेरा बेटा ओनली सन, वी वेंट टू दी क्राइम सीन एंड दैट टू सरबंद। मैंने दो चार जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं उनको मैंने रिंग किया। मैं कहा यार आज लाइव सीन है, आज जो तुम रोज़ कहते हो। कहते हैं एरिया सर। मैं कहा सर, मैं कहते हैं हमें तो वो खुद दसर जाने की इजाज़त ही नहीं है। मैंने अपने बच्चे को कहा वो यार टार्च निकाल, टार्च मार, तेरा बाप तेरे सामने ये कार्रवाई करता है। कहते क्या है। मैं कहा कुछ नहीं है, तू फिक्र ना कर, तू लाइट मार मुझे। दैट वॉज ए यूनिक, ये जो मेरे है ना कि यानी कि पूरी मेरी फैमिली समझे, एक बेटा और मैं, हम अगर वो खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो हम एलिमिनेट हो जाते। एक मूवी है हट लाकर, उसमें मुझे किसी ने भेजी तो उसमें मैंने आखिरी उसके 2-4 शॉट देखे हैं जिसमें ना वो सुसाइड बम्बर को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है और फिर वो कर नहीं पाता, जिसमें वो ब्लास्ट हो जाता है। वो ना मैं इस्लामाबाद में था, मेरा एक दोस्त है उसने मुझे दिखाई कि यार बैठो, तो कहता है तुम्हें मैं CD दूंगा तुम्हें देखनी नहीं है, लाद में देखो। मैंने उसने मैं कहा यार मैं सारी नहीं, मुझे आखिरी थोड़ा सा दिखा दो। मैंने उसको कहा, मैं कह यार आदिल आई विश कि ये मुझे मिले और आई विल डिफ्यूज़ हिम। इसी तरह इवनिंग को सरबंद एक जगह मुझे CCP साहब होते थे हमारे अल्ताफ साहब, उनकी कॉल आई कि यार एक बम्बर है एंड वी आर गोइंग टू, बिलाल उसका नाम है बच्चा था, वी आर गोइंग टू शूटिंग क्योंकि तुम्हारे बंदे नज़दीक नहीं जा रहे। मैं कह सर आई रिक्वेस्ट यू डोंट शूट, दिस इज़ द सीन विच आई एम वेटिंग सिंस लॉन्ग। हम चले गए तो वो बिल्कुल उसको ना इट वॉज आप यह कहें इस तरह आप कभी देखे ना उसमें इस तरह होता है। और मेरा यूडी वाला साइड पे बैठा, मैं क्यों नहीं जाती हूँ नज़दीक। कहते सर वो उस पास रिमोट है वो चला देगा। मैं कह चलो तुम दोनों चलते हैं। कहता नहीं, मैं कह नहीं चलते हैं यार, यकीन करें दैट बॉय पता नहीं अभी वो किधर है, बिलाल छोटा सा बच्चा। ई वॉज बेगिंग कि यार मुझे ना मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ, ये क्या चीज़ है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो उसकी हमने भाई, बल्कि जब उसको हमने डिफ्यूज़ किया उसको मैंने गले भी लगाया था, जिसमें लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन की कि हमने उसको, मैंने कहा गले इसलिए गया था एक तो बिल्कुल लाइक माई सन, और दूसरी ये रीज़न थी कि कोई और चीज़ तो नहीं उसके पास, वो भी बहाने से मैंने देखनी थी। देयर वर 2 फैक्टर्स बेसिकली। वी
वीकेंड का दिन था, तो आई हर्ड दी बैंग माई सेल्फ। वटपगे एक विलेज है, ये इधर से रिंग रोड से निकलता है, सुपर्ब में आता है, और अब वो कंटोनमेंट में मैं रहता हूँ और वहाँ बहुत डिस्टेंस है, तो मुझे समझ आ गई कि ये एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व है। तो मैंने वो हमारा रूरल एरिया, उसको कहते हैं एसपी रूरल, उसको कंट्रोल करता है, उसको मैंने रिंग किया। कहते कोई इशू नहीं है, देर बाद सिलेंडर, जिस तरह आपने देखा कई जगहों पे यही रिपोर्ट आती है, सिलेंडर का ब्लास्ट है, औरतें खाना पका रही थी तो सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा यार जावेद, आई हैव ऑल माई डाउट्स, तो आप फेवर करो तो उसको जरा अंदर से सच करना। कहते नहीं, वो जनाना दे और वो पख्तून कल्चर दे तो वो उसमें अंदर जाना जरा मुश्किल है। मैं कह लेडी प्रीस्ट ले जाऊँ। कहता है सर आप ऐसे ही हो रहे हैं, लीव इट, कोई इतनी खास नहीं। अच्छा मैं कह छोड़ो यार, दफ़ा करो, आई एम कमिंग माई सेल्फ। मैंने कहा तुम अंदर गए? कहते सर कोई नहीं सिलेंडर है। मैं कह यार एक ने की करो, उन्हें रिक्वेस्ट करो कि जो कुछ है ना झाड़ू मार के हमें दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने जितनी एविडेंस थी टाने की कोशिश करके बहरहाल उन्होंने कोई बार नहीं कहा। फिर उसने मुझे साहब ने कहा सर कि वो क्लियर है। मैं कह अच्छा मैं आ रहा हूँ। उसने मुझे दिखाना शुरू किया, उसमें एक इतना सा पीस हार्डली, यानी कि आप इतने सारे कचरे में इतना सा पीस, एक उनसे मिस्टेक हो गई थी वो सिलेंडर का। उन्होंने, मैंने कहा ये क्या है जरा दिखाना। कहता सिलेंडर है। मैं कहता दिखाओ। जब मैं देखा तो दैट वाज अ मार्टर बम। आई रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, आई टॉक टू माय इंस्पेक्टर जनरल के सर आई नीड अ सर्च ऑफ दिस हाउस नाउ। उसने कहा बाय ऑल मींस, देन वी कॉर्डन ऑफ द हाउस। और फिर सर्च की, वी रिकवर्ड 105 एडीज। दैट वाज अ बम फैक्ट्री। फीमेल सुसाइड बम्बिंग पाकिस्तान में बहुत नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हुई है दैट दे शी केम टू टारगेट मी, ये बात है पेशावर की, लाहौरी गेट है एक। उधर सुबह हमारी गाड़ी निकलती है FRP की, रिजर्व पुलिस होती है, वो एक ट्रक निकलता है, वो जाके मुख्तलिफ बंदों को ड्यूटियों पे छोड़ता है उस पुलिस स्टेशन से। वो सुबह निकला है, रस्ते में एक RCID लगी हुई थी, रिमोट कंट्रोल ID, जो ट्रक टारगेट होता है उसमें हमारे 7 कप्स लग जाते हैं, वो शहीद होते हैं। तो अब उन्होंने प्लान ऐसा किया हुआ था, शी वॉज प्रिपेयर्ड एज ए सेकेंडरी डिवाइस, लेकिन उससे पहले वी आर सो लकी कि हमने एक SOP निकाली थी अपने IG तोरो साहब के कहने पर, जिसकी वजह से ये मेरी भी बचत होगी और हमारे बाकी सीनियर ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर की बचत होगी। उसमें एक जहाँ तो एपिसेंटर होता है ना, जहाँ ब्लास्ट होता है या जो आपका क्रेटर होता है, एपिसेंटर जहाँ ब्लास्ट होता है, उसको हम सिर्फ टेक्निकल बंदे उसमें एंटर होंगे, नॉन टेक्निकल इवन पुलिस भी नहीं, यानी सिर्फ बीदी वाला जाएगा, वो उसको हम करेंगे इनर कार्डन। जब मैं पहुँचा इसी का क्राइम सीन लगा हुआ था, आउटर कार्डन भी लगा हुआ था, इनर कार्डन भी लगा हुआ था, और इस लड़की को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों, शी वाज ट्राइंग टू एंटर। हम नीचे से वो देख रहे थे कोई एविडेंस, वो जिस सर्च होती है जिस तरह वो कर रहे थे, तो ये कोशिश कर रही थी लेकिन शी कुड नॉट। ऑल ऑफ सडन एक अंधेरा सा छा गया, वो मुझे लगा कि डी डे आ गया आज ना, दिस इज द डे, बस काम हो गया, तो अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना। तो थोड़ी देर बाद ना मैं यूँ अपने आप को लगा, मैं कहने लग रहा है कि अभी होश हो आज है, बिल्कुल आई बात होश में आ गया ना, तो जब आँखें खुली तो पता लगा कि नहीं सारे हम ठीक ही हैं। उसने अल्टीमेटली शी डिसाइडेड टू इनिशिएट। मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, रस्से में इनकाउंटर हो गया, उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, और पुलिस बहुत खुश होती है अगर उसमें ना कोई निकला है, ये जो नहीं होती हीरोइन या पॉपीज इस तरह की, कोई नारकोटिक्स का ना केस मिल जाए तो वो बड़ा, तो वो लगे हुए थे ना कि ये नारकोटिक्स ये वो। मैंने जब देखा, मैंने कहा यार लेट्स चेक इट, जब चेक किया तो ऊपर नारकोटिक्स ही, सिलेंडर में एक्सप्लोसिव था। उसके बाद आई हम डिस्कस हुए थे, हमने कहा यार एक SOP बनाई जाए, फिर हमने एक SOP निकाली, अभी भी है बहुत खूबसूरत, जिसमें हमने ये कहा था कि कोई भी सस्पिशियस चीज़ ऐसी जो है उसमें आप थाने में नहीं लेके जाएंगे, उसको क्लियर नहीं करेंगे, किसी पार्सल को किसी चीज़ को भी टिल दी टाइम BD क्लियर नहीं करते। पेशावर पुलिस बड़ा बेर में उन्होंने अमल किया, हुआ ये कि एक डेड बॉडी, आप देखें आप डेड बॉडी पे, हमने नई SOP इशू की, उन्होंने कहा एक डेड बॉडी आ रही है और उसमें ना गाड़ी में पड़ी हुई है और उसमें ना उसको लेके जाना,
अब SOP के तहत उन्होंने फोन किया, मैंने कहा बिल्कुल लेके नहीं जाना, नो इसको हम चेक करेंगे। वो भी एक्सप्लोर सबसे बड़ी थी। दुनिया से बड़ा प्रेशर पड़ रहा था पाकिस्तान पे, यहाँ से कुछ एक्सप्लोसिव जो है ना, कुछ चीज़ें चली जाती हैं वहाँ। और कुछ सेनेटर ने ना लेटर लिखा था ओबामा को, प्रेजिडेंट ऑफ, ओके वो इन पे कंट्रोल करें, दिस वाज टोटली रॉन्ग। फिर वो मीटिंग हमारी करवाएगी, वी कन्विंस देम, हमारे तो फर्टिलाइजर ऑलरेडी इधर बैन थी, वी आर नॉट यूजिंग उधर, और फर्टिलाइजर यूज़ होती भी नहीं है। उस पर फिर कॉन्ट्राइडी स्ट्रेटजी फॉर दी कंट्री बनाई गई थी, जिसमें आई वाज द मेंबर। उसमें कुछ लोग बाहर से भी आए थे, तो उस स्ट्रेटजी को हमने अपना जो एक्सपीरियंस KPK का था वो हमने उस स्ट्रेटजी में शामिल किया। और मुझे FIA ने बेसिकली ट्रेन किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। उन्होंने मुझे दुनिया के हर जगह से ट्रेनिंग दिलवाई फॉरेंसिक के लिए, मतलब स्कॉटलैंड यार्ड भेजा, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को भेजा, FBI को भेजा, और उन्होंने जिन दुनिया की जितनी भी लेटेस्ट ट्रेनिंग है उन्होंने मुझे दिलाने की कोशिश की, देट बेसिकली मुझे। और बैकग्राउंड तो मेरा ऑलरेडी था ही, लेकिन उसको ऑन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या उसमें प्रोसिक्यूशन में जो ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग चाहिए थी, या यू कैन से कि पॉलिश करना मेरे नॉलेज को, वो FIA का है, उसमें कोई शक नहीं। उसमें मेरे DG हैं तारक परवेज़ और खालिद कुरैशी साहब, उन दो बंदों ने मुझ पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मसले आपको मैं, आप हैरान हो जाएंगे, DG कितना बिजी मैन होता है, DG FIA। एक दिन उन्होंने मेरे साथ 8 घंटे की नशस्त की थी, वन टाइम। एक हम इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए थे और 8 घंटे विदाउट गैप वी कैप डिस्कसिंग। मैं ये कहता था वो मुझे करेक्ट करते थे, मैं ये कहता था ये करेक्ट नहीं, यानी उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के मेरे नॉलेज को इस लाइन पर लगाया, जिसका आप रिजल्ट KP ने लिया बेसिकली। मेरा तो एक्चुअली बचपन बड़ा लाडू में गुजराया है, यंगेस्ट इन माय फैमिली, 7 मेंबर थे हम, तो 4-3 बड़े भाई थे, बहनें भी बड़ी थी, तो इस वजह से वालद का बड़ा लाडला था। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी कि वो मैं कहीं भी जाऊँ किसी साइड पे, घर पे ही रहूँ। वो खुद भी अच्छे सीनियर ऑफिसर थे, मेरे बड़े भाई आर्मी में थे, ये वाज एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो उनसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हम लेते थे। लेकिन मेरा जो अपना पैशन था वो बेसिकली ये था कि शुरू से मेरा ये दिल करता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि और ना कर सके। और मैं बचपन में स्काउट जो मूवमेंट है उसका भी मेंबर था, बड़ा एक्टिव मेंबर था। इवन मैं आई सेक्रीफाइस, मेरी जो वेकेशन होती है समर की, हम कैंप लगाते थे लोगों में, उसमें मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ना स्काउटिंग, उस ट्रेनिंग की वजह से। स्कॉट्स अगर आप देखें ना, तो उनको बचपन में ये उनके गले में ना एक स्काफ सा होता है, उसमें नॉट लगी होती है, और उस नॉट जब आप सुबह निकलते हैं, स्काउट निकलता है, तो उसमें नॉट का मतलब ये होता है कि जब तक आपने कोई अच्छा काम नहीं करना आपने ये नॉट नहीं खोलनी। तो मेरा ख्वाहिश बेसिकली ये थी कि मैं वो चला जाऊँ मेडिकल साइड पर, तो इसलिए मेरा प्री मेडिकल था, लेकिन फिर वो मेरा वो नहीं हो सका। तो आर्मी में जो था वो बेसिकली यही यूनिक था कि शायद उसमें जाके कोई अपनी कंट्री के लिए या कोई सर्विस का मौका मिल जाए तो हम वो करेंगे। ये दिस वाज इंस्पिरेशन, ये नहीं कि मैं कोई बहुत जंगजू टाइप नहीं था। पहले हम थे डिफेंस में, मतलब कि हम वी आर वेटिंग लाइक ए फायर फाइटर्स, कि यार एक ID लगी चले गए डिफ्यूज कर दी, दे डिफेंस। मैंने भी अपनी यूनिट को इसमें नहीं रखा, मैंने बिल्कुल आर्मी की जो स्ट्रेटजी थी ना, 2 prongs, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। पॉलिसी शुड बी डिफेंसिव बेस्ड ऑन ऑफेंसिव, यानी नौ मेरी टीमें जो है ना, मैंने बताया ना हम जो 35 के बंदे थे उसमें थोड़े 8 शहीद हो गए 30 से, आज 550 हैं, 500, क्योंकि इन केस ऑफ ID यू विल एक्नॉलेज मी, टाइम इज द एसेंस, अगर आप लेट हो जाए फायदे कोई नहीं। अभी मेरी टीम टोटली जो है वो वेट नहीं करी IDs की पीस टाइम में, दे आर नॉट सिटिंग, दे आर पार्ट ऑफ द ऑल ऑपरेशन जो रेड रात को होते हैं, दे एंटर्ड फर्स्ट, BD एंटर फर्स्ट होता है और उनको एरिया क्लियर करते हैं। आपने देखा हमारी कैजुअलिटी बहुत कम हो गई है, जितने भी आपके ऑपरेशन है इस यूनिट के स्ट्रांग होने के, देखें उसकी वजह यह है कि हमारे बंदे फर्स्ट एंटर होते हैं, उस एरिया को क्लियर करते हैं, देन दे अलो दी पुलिस टू एंटर।
पहले हमने विजन रखा, बताया पहले तो हमने वार लड़ी, वार लड़ने के बाद फिर हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की, फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल द डोनर एजेंसी जिसमें FBI है, स्कॉटलैंड यार्ड है और ऑस्ट्रेलियन है, फेडरल पुलिस है, उन्होंने हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत हेल्प की है, पाकिस्तान आर्मी है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, पाकिस्तान आर्मी ने अपने स्कूल के दरवाजे हमारे पे खोले रसालपुर में कि आप जो मर्जी भेजें ट्रेनिंग लें, उन्होंने हमें ट्रेन किया, 500 बंदे को ट्रेनिंग भी देनी थी, और फिर इसी तरह हमने कहा कि हर बंदे को बाहर भेजेंगे क्योंकि ट्रेनिंग पाकिस्तान में सिविल में तो है नहीं है और आर्मी का अपना भी उनका ट्रेनिंग में इतना प्रेशर है तो कैसे करेंगे। फिर हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल ली और अपना स्कूल भी खोल दिया। जब आपको बम की इतला आती है हर बंदा भाग जाता है, जितने भी कोई प्रोफेशनल है, साहब वो ट्रैफिक पुलिस है, ऑपरेशनल पुलिस है, CTD है, कोई भी है, सारे स्टैंड स्टिल हो जाएगा ना, सब स्टैंड स्टिल हो जाएगा, ट्रैफिक रोक जाएगी, सब रुक जाएगी, इसी शरीफ बंदे ने जाना है, ही हैज टू मूव टुवर्ड्स द बम एंड अदर हैज टू रन अवे फ्रॉम द बम। तो इनको बचाना बड़ा जरूरी है बिकॉज दे आर एसेट, अगर ये वीड आउट हो गए तो फिर क्या करेंगे। बेशक आपके आपके पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं, हर चीज़ लेटेस्ट है, लेकिन बम डिफ्यूज करना है तो इसी ने जाना है, और एक बम लग गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा ये जो मेरे 30-35 बंदे हैं दे आर एसेट फॉर दिस कंट्री फॉर द KP पुलिस, इनको हर हालत में बचाना है, दे आर डीमोरलाइज। तो इनको मैंने बताया ना, सबसे पहले मैंने उनको कहा था कि आपने बम डिफ्यूज नहीं करना, मैंने करना है, मैं करूँगा, और जब मैं करूँगा तो फिर आप मुझे देखो क्या कैसे काम करना है। तो फोकस हमारा इन लोगों के साथ हुआ और वही मैं अभी बता रहा हूँ जो मुझे डिफरेंस लग रहा है ना, जो मुझे खुशी होती है, आज वो दिन है कि जब मैं जाता था पीछे बैठते थे, अब वो है कि मैं जाता हूँ मुझे जाने नहीं देते। आई कम्प्रोमाइज माई फैमिली, आई कम्प्रोमाइज एवरीथिंग, मैं अकेला पुलिस लाइन में रहूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। 2009 में मेरे बच्चा छोटा सा था जो मैं उसको छोड़ गया, जब यहाँ आया तो ये तो वार जोन में एंटर हुए थे, वो दिन है और आज 2021 है, दिस इज द गैप विच आई मिस्ड। यस, जो मुझे थोड़ा सा क्रेप है कि जब मैंने उसे हाथ पकड़ना था मैंने नहीं पकड़ा।